हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चारुल्स होम किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट की चटनी। इसे बनाना एकदम सिंपल और आसान है। खाने में तो सभी जानते हैं ये बहुत टेस्टी लगती है। आपने इसे डोसा, इडली, अप्पम के साथ ज़रूर खाया होगा। फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसे हम फ्रेश कंज्यूम करते हैं और इसे फ्रेश खाने में ही मज़ा आता है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। इसे आप पराठा और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी अगली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो आइए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश कोकोनट छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैंने इसका स्किन नहीं रिमूव किया है, आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। और ये मैंने 2 टेबल स्पून भुनी हुई चना दाल लिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी इमली लिया हुआ है, थोड़ा जीरा, 2 कलियाँ लहसुन की, थोड़ा अदरक, हरी मिर्च और नमक। और फ्रेंड्स, ये मेरे पास सूखा नारियल है। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट नहीं अवेलेबल है तो आप ये सूखा नारियल ले करके बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर 24 आवर्स के लिए पानी में भिगो दें, तो इससे भी आपकी चटनी अच्छी बन जाएगी। बट ये तब के लिए ऑप्शन है जब आपके पास फ्रेश कोकोनट अवेलेबल मार्केट में नहीं है। तो आइए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस एक फाइन पेस्ट बनाने के लिए। अब हम इसको एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर आने तक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको पानी कम लगता है तो थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल के इसको अच्छे से पीस लें। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम स्मूथ और फाइन पेस्ट बनके रेडी हो गया है। दिखने में बहुत इंटेंस है ये। अभी ये डन नहीं हुई है, अब हम इसका एक तड़का बनाएंगे। तो तड़का बनाने के लिए हमने थोड़ा सा राई दाना लिया हुआ है और ये करी पत्ते लिए हैं और यहाँ पे एक बोर मिर्ची ली है। आपके पास प्लेन मिर्ची है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा रिफाइंड ऑयल या कोकोनट ऑयल। बट फ्रेंड, कोकोनट ऑयल से फ्लेवर बहुत अच्छा चटनी का आता है, तो अगर आपको मिल रहा है आसानी से तो आप उसको यूज़ करें। बट मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि उसका अपना खुद का फ्लेवर होता है, वो खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देगा। ये इसका हम तड़का बनाते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। अब हम राई डाल देते हैं और उसको पूरी तरीके से क्रैकल हो जाने दें। करी पत्ता डाल देंगे और मिर्च। और इसको इमीडिएटली उठा करके हम अपनी चटनी में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कोकोनट की चटनी इडली और डोसा के साथ खाने के लिए रेडी है। आई होप मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी न्यू नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।